हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम रोटी का बहुत टेस्टी बहुत यम्मी 5 मिनट का बनने वाला नाश्ता लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों की वेस्ट रोटी, रखी हुई रोटियां, यानी जो आप लोग हटा देते हैं बस उन्हीं का इस्तेमाल करके बहुत टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, यानी रोटी रगड़ा कटोरी चाट आज हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये इस तरह से हमने ले ली, देखिए 4 रोटियाँ हमने ले ली हैं और इस तरह से ग्लास ले ली है। इसके ऊपर हम बांधेंगे रोटियों को हल्के से धागे से। ये देखिए, ये हमारी ताज़ी रोटियां हैं, क्योंकि ताज़ी रोटियां अकेले एक इंसान होल्ड करने के लिए अच्छा होता है, होल्ड हो जाती है, लेकिन अगर रखी हुई रोटियां हैं तो उसको होल्ड करने के लिए आपको दूसरा इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रोटी को अच्छे से पकड़े और एक इंसान धागे से बांधे, अगर रखी हुई रोटियाँ हैं तो। और अगर हमारी ताज़ी रोटियाँ हैं तो आप उनको आसानी से अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने बांध लिया है अच्छे से, और इसी तरह से हम सारी की सारी रोटियां बांध लेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए सारी हमने बांध ली है, और अब इसे 5 मिनट के लिए हम रख देंगे फैन में। क्या होगा, जिससे ये थोड़ा सा टाइट हो जाएंगी, मतलब सूख जाएंगी जिससे, तो ये काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए सूख गई हैं फैन में रखे से 5 मिनट। तो चलिए अब इसे हम बना लेते हैं। तो देखिए, हमने एक कढ़ाई में अपना ऑयल रख दिया है फ्लेम पर ऑन करके। तो हमारा अच्छे से हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है गर्म। और इसको हम इसमें इस तरह से रोटी रख देंगे अपनी, उलट कर ग्लास को, और धीरे से ग्लास को हम हटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारी आप सीखते सीखते इसकी एक कटोरी बन जाएगी, जो कि हमें चाहिए। तो इस तरह से हम अंदर भी ऑयल को डालते रहेंगे, जिससे कि अंदर भी सिकता रहे साथ में इसी तरह से। और धागा हमने इसीलिए बांधा था गाइस, कि धागे की वजह से होल्ड हो जाएगी हमारी रोटी, तो इसकी कटोरी अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए इसी तरह से सिक चुकी है नीचे, तो इस तरह से हम सब तरफ से करते हुए सेंक लेंगे क्रिस्पी, हर तरफ से सेकेंगे ऐसे उलट पलट कर ऐसे करके, और धीमी ही फ्लेम पर सेकना है, जिसकी वजह से ये जले नहीं और अच्छे से ब्राउन होते हुए ये ब्राउन हो जाए, कुक हो जाए। तो देख सकते हैं एक बात और गाइस, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे किचन थोड़ा सा हमारा चेंज है, क्योंकि हम अपने मायके आए हुए हैं इस समय, तो थोड़ा सा लाइट की हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, सेटअप उतना अच्छा नहीं बन पाता है, तो इसी वजह से, तो लाइट की वजह से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से सॉरी गाइस। ये देखिए, अब इस तरह से सारी हमने सेंक ली है और इस धागे को हम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास बॉयल्ड मटर रखी थी, सफ़ेद वाली मटर, वो बॉयल्ड रखी थी। अगर आपके पास वो बॉयल्ड मटर ना हो तो आप आलू की टिक्की भी बना करके ले सकते हैं, या फिर आप खाली नमकीन को ही मिक्स कर सकते हैं, जो हम इसमें इंग्रेडिएंट डालें वो ही इंग्रेडिएंट आप मिक्स मिला सकते हैं। देखिए, मटर हमने थोड़ी सी ले ली है बॉयल्ड, और मटर को जब बॉयल्ड किया गया था तो उसमें नमक था डाला गया था मटर के हिसाब से। और ये देखिए, हमने कुछ पीनट वाली नमकीन ले ली है, जो आती है पीनट की नमकीन, तो बेसन नमकीन। और ये देखिए, थोड़े से हमारे पास सेव रखे थे, वो भी हमने ऐड कर दिए, और इन सारी चीज़ों में नमक होता है। अब ये हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लिए थे, वो भी बारीक चॉप कर लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, 2 प्याज हमने रख लिए थे कट करके बारीक, तो इसको भी मिक्स करेंगे। और ये देखिए गाइस, इसमें 4 चाट मसाला हमने नहीं ऐड किया, क्योंकि थोड़ा सा था, तो ये देखिए मिक्स कर लिया है। आप और इसमें चाट मसाला है, नींबू है, अमचूर पाउडर है, ये सब ऐड करना चाहे आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, अब इस जो हमने वो जो मैटर बना करके रखा है ना, वो इसमें हम फिल करेंगे अपनी कटोरियों में। तो ये खट्टा, जैसा कि आपको पता है कि हम ज़्यादा खट्टा नहीं खा पाते, इस वजह से हमने नींबू नहीं ऐड किया है, आप ऐड कर सकते हैं, और चाट मसाला वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि नमकीन में ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से हमने नहीं ऐड किया है, सिंपल नमकीन से ही बनाया। और इसमें गाइस गर्मी बहुत होती है, ठीक है, सारी कटोरी हमने फिल कर ली, और इसमें बारीक वाला जो सेव की नमकीन होती है बारीक वाली, उससे हमने गार्निश कर दिया है, और हमने प्याज और डाल दिया है ऊपर से, और डाल दिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स अच्छे से। देखिए, प्याज से हमने गार्निश कर दिया है इसको अच्छे से, और इस पर अब हम ऐड करेंगे अपनी कुछ चिली फ्लेक्स, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में भी, लुक में भी, और बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगेगा। गाइस, ये नाश्ता ना आप एक बार अपने घर में बनाकर खाएंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि लाइट की वजह से थोड़ा सा हो सकता है ना दिख रहा हो अच्छे से,
ये देखिए चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। तो ये हमारी बच्चों के इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता है गाइस, जो बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है वो बहुत अच्छे से यम्मी से खाएंगे। तो अगर वीडियो प्लीज़ कमेंट करें।